अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरी केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आप सभी को बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सिलेबस, जो हमारा 11th क्लास का नया सिलेबस है जो COVID-19 के चलते रिड्यूस किया गया है 30%। हम उस नए सिलेबस के बारे में आज बात करने वाले हैं। ये बहुत ही कहें कि पेंडेमिक कंडीशन है कि COVID-19 के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बहुत सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसी स्थिति में केवल और केवल बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई ही एकमात्र सहारा है जिससे वो अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जो बच्चे चाहते हैं कि वो बेस्ट पढ़ें, सबसे अच्छी केमिस्ट्री पढ़ें, तो उन सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट पढ़ाऊँ। आप सभी को जैसा कि पता है कि मैं लाइव क्लास शाम को 4 बजे 11th क्लास की लेता हूँ, और 11th क्लास का जो शेड्यूल है वो MWFA मीन्स मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में मैं लाइव क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ शाम को 4 बजे। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो उस टाइम पर प्रेजेंट रहें, और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप उसको क्लिक करके आप तुरंत वीडियो पर पहुँच सकते हैं और मेरी लाइव क्लास को देख सकते हैं। उस लाइव क्लास में अभी एट प्रेजेंट तो मैं IUPSC पढ़ा रहा हूँ, बट धीमे धीमे करके मैं टॉपिक बदलता जाऊँगा जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसका लाभ लेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है नया सिलेबस जो COVID-19 के चलते रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस करे गए हैं उसके लिए थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो ये जो वीडियो है ये उन सभी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों ने अभी तक 11th क्लास का सिलेबस ही नहीं पता है। देखो किसी भी चीज़ की पढ़ाई को करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि हम सभी लोग पहले प्लानिंग करें। हमें पढ़ना क्या है पता तो हो, पता चला हमें पढ़ना क्या है हमें ये नहीं पता है और हम पढ़े चले जा रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं सर ये 11th का है, सर ये 12th का है, तो ये चीज़ बहुत गलत बात होती है। सभी बच्चों के पास किताबें होनी चाहिए, सभी बच्चों को सिलेबस पता होना चाहिए। तो आप सभी के पास किताबें होंगी, आप एक काम करिएगा, जितने चैप्टर में से जो जो चीज़ें हटा दी गई हैं आप उस चैप्टर के ऊपर किताब में ही पेंसिल से लिख लीजिएगा कि ये टॉपिक इस साल के लिए 2020-21 के लिए ये टॉपिक हटाए गए हैं। थोड़ा सा आपकी हार्ड लक है कि कुछ अच्छे टॉपिक इसमें चले गए हैं और कुछ एक टॉपिक तो ऐसे हटाए हैं जिनको हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, औचित्य ही नहीं था, केवल खाना पूर्ति के लिए हटा दिए गए हैं, क्योंकि उन टॉपिक को हटाने के बाद हम उसको आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वो टॉपिक तो हमें पढ़ना अनिवार्य है, हाँ उससे 11th क्लास के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वो बात की चीज़ है। तो क्या क्या चीज़ हटाई गई है आप सभी लोग क्या करेंगे, अपनी किताब में जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं ऊपर पेंसिल से या पेन से जैसा भी आपको लिखना हो उसके ऊपर ही लिख लीजिएगा कि ये 2020-21 के सिलेबस में 2020-21 के जो पेपर में है ये टॉपिक नहीं है, बाकी अगले साल तो ये सारे टॉपिक रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो NCERT की बुक है उसमें टोटल आपके पास 2 बुक होंगी, भाग 1 और भाग 2। उन भाग 1 और भाग 2 को आप देखिए, टोटल देखिएगा तो हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 14 हैं, मतलब जो यूनिट हैं वो 14 हैं। इनमें से एक यूनिट को पूरी तरह से हटा दिया गया है, उस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 14 जिसको हम बोलते हैं पर्यावरणीय रसायन, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें आप बहुत बेहतरीन चीज़ें पढ़ा करते थे, ओजोन की परत का क्षरण क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, ठीक है, तो बहुत डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री थी। और आप सब जानते हो कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तो ये हटा दिया गया है। मुझे बहुत आश्चर्य है कि ये पूरी की पूरी यूनिट ही गायब कर दी गई, जबकि ये यूनिट तो रखी जा सकती थी, ये यूनिट तो बड़ी व्यवहारिक यूनिट है, आपको समझने के लिए बड़ी आसानी रहती। खैर हटा दिया गया है, तो आप लोगों की बहुत हार्ड लक है क्योंकि
देखो आप सभी लोगों ने 9th-10th लेवल में कहना, हम तो सर जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, सर हमने तो 9th-10th लेवल में पढ़ा है, मगर 9th-10th लेवल में आपने जरा सा पढ़ा है, ना के बराबर पढ़ा हुआ है। आप 11th क्लास में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मुझसे पढ़ते तो आपको पता चलता कि केमिस्ट्री होती क्या है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री होती क्या है। बहुत ही बेहतर तरीके से इसके वीडियोस बनाए जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपके इस साल के सिलेबस में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है। देन नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आने वाले समय में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस टॉपिक पर, आप देखते रहिएगा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको इसके वीडियो मिल जाएंगे, बट पहले मैं कोर्स के वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के वीडियो बना करके आपको दूंगा, ठीक है। ये तो यूनिट हमारी पूरी तरह से हटा दी गई है, यूनिट नंबर 14 पूरी तरह से हटा दी गई है, पर्यावरणीय रसायन। अब हम बात करते हैं शुरुआत से। देखो हमारा जो यूनिट नंबर 1 है, जिसके 34 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको किस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में जितना होता है मैंने सब आपको बना करके वीडियो में दे दिया, कुछ एक चीज़ें और भी बनानी चाहिए मुझे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको और अपग्रेड कर दूंगा, बट आपको फिलहाल 34 वीडियो मैंने इसके प्रोवाइड कराए हैं। उन 34 वीडियो में से कुछ 5 वीडियो हैं, 5 वीडियोस हैं जो कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित हैं। रासायनिक संयोजन के नियम का मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सब पढ़े हुए हैं ना। तो ये जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं ये इस साल के 11th के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो जो पढ़ना चाहता है तो वीडियो डले हुए हैं, जो नहीं पढ़ना चाहता है तो वो रासायनिक संयोजन के नियम को छोड़ सकता है। उसके बाद एक वीडियो डाला हुआ है मैंने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, ये टॉपिक भी आप छोड़ सकते हो, जिसको पढ़ना हो उनके लिए वीडियो अवेलेबल है, बट ये सिलेबस से हटा दिया गया है, रासायनिक संयोजन के नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब तत्व परमाणु अणु की संकल्पना ये हटा दी गई है। आप कहोगे कि हम नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ोगे जब तत्व नहीं जानोगे, अणु नहीं जानोगे, परमाणु नहीं जानोगे, तो फिर आगे की केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे। तो हटा दिया गया है ये बात अलग है, बट आप सभी इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बिना इसको पढ़े हुए आपको अगले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप छोड़ना ही चाहते हो तो रासायनिक संयोजन के नियम छोड़ सकते हो और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत छोड़ सकते हो। तत्व परमाणु अणु की अवधारणा ये वीडियो बना हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो। उसके बाद द्रव्य की कणिक प्रकृति तथा ऐतिहासिक पहुँच, इसका कोई बहुत विशेष वीडियो नहीं था, आप देखिएगा उसमें थोड़ा बहुत चीज़ मिलेगी, हल्की फुल्की नॉलेज के तौर पर है, तो इसको छोड़ना ना छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। जो मुख्य तौर पर छोड़ सकते हो वो है रासायनिक संयोजन के नियम और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, 5 वीडियो टोटल लगभग इसके होंगे जो आप छोड़ सकते हो, जो आपके 11th क्लास में नहीं आएंगे, बट आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चंस आते रहे हैं, आ सकते हैं। तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं तो वो अपने रिस्क पर छोड़ें, और जो लोग सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर पर। दूसरे चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना, जिसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी विस्तार से हमें पढ़ना है, इसके लगभग 14 वीडियो मैंने आपको दिए हैं, अभी बहुत सारे वीडियो उसमें डलने हैं। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर परमाणु संरचना के वीडियो आप कब डालोगे। बेटा थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी 11th क्लास में एडमिशन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन ले रहे हैं, कई सारे बच्चों को तो होश ही नहीं है कि उनको पढ़ाई शुरू भी करनी है, वो तो 10 पास हो गए हैं, इसी की मिठाई बांटने में उतारू हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बच्चे थोड़ा जैसे ही रिदम में आ जाते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जो पिछड़ गए हैं वो बराबरी कर लेते हैं। तो मैं परमाणु संरचना के बाकी के पार्ट आपको डालूंगा, लगभग अभी इसमें 15 पार्ट और हैं जो इसके आगे कंटिन्यू आपको करने होंगे, तो ध्यान से आपको कुल परमाणु संरचना का टॉपिक पढ़ना है। इसमें से भी कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं, मैं आपको सलाह दूंगा कि इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप छोड़िए, सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपको आगे बहुत उपयोगी होंगी। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हटा दी गई हैं, अगर आप पेपर टाइम पर उनको नहीं पढ़ना चाहते हो देन कोई बात नहीं, उनको आप पेपर के टाइम पर छोड़ सकते हो, वैसे आप ज़रूर पढ़िएगा।
देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज, अब बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरी केमिस्ट्री में यही सब तो चलता है। अब आप इसकी खोज के बारे में नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, 11th क्लास तो आप पास हो जाओगे बट आगे दिक्कत आ सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि आप पढ़ें। ये टॉपिक हटाए गए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज ये टॉपिक हटा दिया है। परमाणु क्रमांक, बताओ परमाणु क्रमांक का कितना भयंकर यूज़ है। अब कह रहे हैं परमाणु क्रमांक सिलेबस से हटा दिया है, ठीक है हटा दिया तो आप पेपर टाइम पे मत पढ़ना, बट वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा। समस्थानिक संभारक, ये तो आपने 9th-10th लेवल में भी पढ़ा था, मैंने वीडियो भी अलग से बनाया हुआ है, तो समस्थानिक संभारक ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है। थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएँ, ये वीडियो मेरे बने हुए हैं, जो पढ़ना चाहता है पढ़े और पढ़ना चाहिए। बोर्ड में हटाया गया है, 11th क्लास के पेपर में नहीं आएगा तो पेपर टाइम पे मत पढ़ना, बट बेहतर होगा कि आप इन सबको सीख के रखें क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। इनके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं परमाणु संरचना से रिलेटेड, वो सब की सब आपको पढ़नी है और सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल अभी IUPAC में पढ़ा रहा हूँ, IUPAC को पढ़ाने के बाद मैं परमाणु संरचना टॉपिक पर वापस आऊँगा और आपको जो बचे हुए वीडियो हैं उनको क्रम में दूंगा। तो जो भी बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पहले सिलेबस समझ लें। चैप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए कि पहला चैप्टर क्या है, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, दूसरा चैप्टर क्या है, परमाणवीय संरचना है। तो जिससे आपको पता रहे कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें कौन सी चीज़ कहाँ पढ़ने के लिए मिल रही है। तो आप सभी लोग रेगुलरिटी से जुड़े रहोगे, रिदम बनाओगे तो आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी, ठीक है। और अगर आप रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तो फिर ऐसी चीज़ में आप पिछड़ जाते हो और बराबरी कर पाना वीडियो में बहुत कठिन चीज़ है। आप खुद से देख लो कि 190 वीडियो में डाल चुका हूँ, 190 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ 11th और 12th के मिला करके। अब कोई बच्चा कहे कि 190 वीडियो देख लो तो आपको 5 चैप्टर बहुत अच्छे आने लगेंगे, बेटा डिटेल में पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ, हर चीज़ देने की कोशिश करता हूँ, बट ज़रूरत केवल इस बात की है कि रोज़ का काम रोज़ किया जाए। आप प्लीज़ पेंडेंसी मत डालिए, चैनल को सब्सक्राइब तुरंत करिए, आपको चीज़ अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट भी किया करिए, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले और आप हमसे जुड़ोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो ये थे वो चीज़ें जो परमाणु संरचना के लेसन में से हटा दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड लेसन की। थर्ड लेसन है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, ठीक है। ये यूनिट नंबर 3 है, थर्ड लेसन है। इस लेसन में से क्या चीज़ें हटाई हैं, ना के बराबर वर्गीकरण की सार्थकता। अब आप बताओ बहुत सारे तत्व प्रकृति में मौजूद हैं, उनका हमने वर्गीकरण किया गुणों के आधार पर। मेंडलीव का नहीं वो पढ़ा होगा ना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में पढ़ा होगा ना 9th-10th लेवल में, कि हमने वर्गीकरण क्यों किया, हमने ग्रुप में क्यों बांटा, हमने वर्गों में क्यों बांटा, ऐसे तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी होंगी। तो ये क्या चीज़ हटाई है कि वर्गीकरण क्यों किया गया, भाई वो तो हमें सीखना ही पड़ेगा। अगर हम आवर्त सारणी आपको पढ़ाएंगे तो शुरुआत में तो हम यही चीज़ पढ़ाते ना कि तत्वों के वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी। आवर्त सारणी अगर डेवलप हुई तो कैसे डेवलप हुई, हाँ ये सिलेबस से हट गया है तो जो चीज़ मैं डिटेल में पढ़ाता था अब उसको कंसाइज करके एक वीडियो में समझा दूंगा, बट ये बिना पढ़ाए हुए मैं आगे की चीज़ें पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो सिलेबस से हट गया है, ये लिख लीजिएगा, वर्गीकरण की सार्थकता और आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास। ये चीज़ें सिलेबस से हट गई हैं, 11th क्लास में इसे टॉपिक नहीं आएगा, बट बिना इसको पढ़े हुए आप आगे की चीज़ें इंटर रिलेट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसको भी साथ में पढ़ें। और जिन बच्चों को शुरुआती तौर पर आवर्त सारणी आनी चाहिए, तो मैंने देखो आवर्त सारणी के 2 वीडियो अलग से बनाए। सभी बच्चे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने आवर्त सारणी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आवर्त सारणी का वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको एक दिमाग में इमेज क्लियर हो जाए कि यही वो आवर्त सारणी है जिसके बारे में हमें डिटेल में आगे पढ़ना है। वो 2 वीडियो में मैंने उस आवर्त सारणी के बारे में समझाया है, उस आवर्ती गुणों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस होगा। इसको हम बोलेंगे यूनिट नंबर 3, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। यूनिट नंबर 4 ये बेहतरीन टॉपिक है, सबसे बेहतरीन अगर केमिस्ट्री की कोई यूनिट है 11th क्लास में तो वो यही यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम रहता है, जिस नाम से आगे बहुत चलता है, बड़ा फेमस रहता है। पूरी यूनिट का नाम क्या है, रासायनिक आबंधन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर और आणविक संरचना, ठीक है। रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आने हैं। आयनिक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, उपसहसंयोजी बंध क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या हैं,
मीथेन की संरचना चतुष्फलकीय है, अमोनिया की संरचना पिरामिडली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से इस टॉपिक से डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी यूनिट है और बहुत ही आपकी किस्मत भी अच्छी है कि इस यूनिट को अनचेंज रखा गया है, मतलब एक भी टॉपिक इसमें से कम नहीं किया गया है, नो चेंज। पूरी की पूरी चीज़ें आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, नो चेंज है, सारी की सारी टॉपिक आपको पढ़नी है। बहुत अच्छी किस्मत है आपकी कि इसमें से कम कोई चीज़ चेंज नहीं करी है। अब हम बात कर लेते हैं 5वें टॉपिक की। देखो, द्रव्य, द्रव्य जिसको हम बोलते हैं मैटर, पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं आप लोगों को मुख्य तौर पर पढ़ाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। देखो, ठोस अवस्था ये 12th क्लास का पहला लेसन है, सॉलिड स्टेट ये 12th क्लास का पहला लेसन है। बाकी बची 2 अवस्थाएं, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो द्रव अवस्था और गैस अवस्था को आपको 11th क्लास में पढ़ना है। द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव, सब कुछ पढ़ना है इसमें। थोड़ी सी चीज़ें हटाई गई हैं, गैसों का द्रवण, गैस को दबाव डालकर ठंडा करके द्रव में बदलना, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैसों का द्रवण। और गैसों का द्रवण कराने के लिए हमें क्रांतिक तापमान की ज़रूरत पड़ती है। तो गैसों का द्रवण, क्रांतिक तापमान, गतिज ऊर्जा, आणविक वेग, आणविक वेग, द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था, श्यानता और पृष्ठतनाव, ये अच्छे टॉपिक थे, इंटरेस्टिंग टॉपिक थे। इनको 11th क्लास के सिलेबस से हटाया गया है। कोई बात नहीं, इसको छोड़कर हम बाकी टॉपिक को पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो हम इन पर भी वीडियो बना देंगे, तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिए ना। फिलहाल वैसे 11th के सिलेबस से ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। आप अपने चैप्टर के ऊपर इसको पेंसिल से या पेन से नोट कर लीजिएगा कि ये 2020-21 के सिलेबस से गायब है। बाकी हर साल ये टॉपिक रहेगा और पूछा जाता है, आगे के कॉम्पिटिशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आणविक वेग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो फिजिक्स में भी है, नाम सुना होगा VRMS, ठीक है, VAV, ये तमाम चीज़ें हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेग है, अधिकतम प्रायिकतम वेग है, VMP है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये तीनों टॉपिक। तो ये आप पढ़िएगा। फिलहाल जो चीज़ें हटाई गई हैं उसका नाम मैंने आपको बता दिया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हैं, आपको केवल 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक है। ठोस के बारे में हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं यूनिट नंबर 5। अब यूनिट नंबर 6 ये है थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा गति की। ये आपका 6वां लेसन है ऊष्मा गति की। वैसे तो इसमें सब कुछ पढ़ने लायक है, कुछ भी चीज़ छोड़ने लायक नहीं है, मगर फिर भी आप लोगों को 2-3 चीज़ें इसमें से हटाई गई हैं, ना के बराबर चीज़ें हैं, ये तो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो मुश्किल से एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, एक घंटे के टॉपिक हैं। ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा और साम्यावस्था हेतु मानदंड, ये 3 टॉपिक हटाए गए हैं, बट मैं ये तीनों टॉपिक पढ़ाऊंगा क्योंकि इनका मुझे उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को हटाना या ना हटाना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिलहाल हट गए हैं। पेपर टाइम पर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, बट आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए हमें ये टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है। हीट कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारे क्राइटेरिया होते हैं उन सबको हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ये था हमारा ऊष्मागतिकी, लगभग लगभग आपको पूरा पूरा पढ़ना है ऊष्मागतिकी में। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था, ये यूनिट नंबर 7 है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक में सब कुछ आपको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, केवल 2-3 चीज़ें आपकी कम करी हैं। जब हम साम्यावस्था आपको पढ़ाएंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा बफर विलयन, बफर विलयन। अब बफर विलयन की पीएच निकालते हैं, देखो पीएच आपने नाम सुना होगा, तो बफर विलयन की पीएच निकालने के लिए हम एक समीकरण यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है हेंडरसन समीकरण। छोटा सा समीकरण है, मैं पढ़ा दूंगा और उस पर सवाल लगवा दूंगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10-15 मिनट का टॉपिक रहता है हेंडरसन समीकरण, इसको हटा दिया गया है। लवणों का जलीय अपघटन, ये बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको आप लोगों को डिटेल में पढ़ना था, बड़ा टॉपिक भी है, बट इसको हटा दिया गया है। तो लवणों का जलीय अपघटन ये टॉपिक हट गया है और हेंडरसन समीकरण हट गया है, मगर मैं इसको पढ़ाऊंगा, इस टॉपिक को मैं टाइम मिलेगा तो आगे पढ़ाऊंगा, लवणों का जलीय जल अपघटन। इसके बाद हम बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। देखो, आप सभी लोगों ने जिन्होंने भी लाइव क्लास देखी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बताया था ना कि जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स समीकरण। कई बच्चों को अच्छा भी लगा था, कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें तो बहुत अच्छा समझ में आया। बेटा वो था क्लास 12th, उसके एक वीडियो में मैंने आपको
बताया था कि देखो ये चीज़ें 11th क्लास से रिलेटेड हैं, बट ये पूरा का पूरा लेसन है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस लेसन में बहुत ही डिफरेंट चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। फिर भी इसमें से कुछ चीज़ें कम करी हैं, वो उनको कम करने का मतलब ही नहीं है। ये तो आप पढ़ोगे, जब आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे तो उनकी एप्लीकेशन तो पढ़ोगे ही, ठीक है, एप्लीकेशन तो पढ़ोगे ही। मतलब जैसे आपने कहा भाप में शक्ति होती है, भाई ये तो हमने पढ़ लिया। अब भाप में शक्ति होती है, उससे हमने इंजन बना दिया, तो इंजन बनाना ये एप्लीकेशन है। ऐसा फालतू चीज़ें पढ़ के हम क्या करेंगे भाई, हमें एप्लीकेशन तो आने चाहिए ना, तो हम एप्लीकेशन पढ़ा देंगे। बिना एप्लीकेशन पढ़ाए हुए मज़ा भी नहीं आएगा। फिलहाल आपके सिलेबस से हट गया है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग, ये था यूनिट नंबर 8। अब आते हैं यूनिट नंबर 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये 9, 10, 11, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11, ये तीन जो यूनिट हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, अकार्बनिक रसायन से रिलेटेड हैं, और इनमें बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। और जितनी चीज़ें इसमें से हटाई हैं इनको पढ़ने में टाइम भी लगता है और लंबी लंबी चीज़ें हैं। अब जब टाइम मिलेगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, और जब तक टाइम नहीं मिलेगा तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें काट दी गई हैं। देखो क्या क्या चीज़ें हट गई हैं। सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है यूनिट नंबर 9 में, यूनिट नंबर 10 में और यूनिट नंबर 11 में। देखो यूनिट नंबर 9 में से क्या क्या गायब किया है। यूनिट नंबर 9 का नाम क्या है, हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन के निर्माण, ब्रिचन मतलब निर्माण, हाइड्रोजन का निर्माण, हाइड्रोजन का गुणधर्म, हाइड्रोजन परऑक्साइड की अभिक्रिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना, हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग, इनको हटा दिया गया है। हटाने के बाद इस चैप्टर में लगभग 70% चीज़ें हट गई, 70% चीज़ें तो यही हैं। अगर आपने ये हटा दिया तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा हो गया हाइड्रोजन का। इसमें मात्र 30% चीज़ें आपको पढ़ने के लिए रह गई हैं, सारी चीज़ें इसमें से हटा दी गई हैं। एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक में दो वर्ग होते हैं। फर्स्ट ए या ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं क्षार धातु, और ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक था, बहुत कुछ इसमें पढ़ाया जाता था, मगर इसमें से जो आपकी प्रिंस मतलब जो शुरुआती केमिस्ट्री है एस ब्लॉक की, वो तो सब आपको पढ़नी है। मगर जब हम एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके यौगिक पढ़ते हैं, जैसे क्षार धातुओं के यौगिक है, तो क्षार धातुओं के यौगिक में जैसे क्षार धातु मतलब सोडियम, सोडियम का यौगिक मतलब NaCl, NaCl मतलब खाने वाला नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब धावन सोडा, Na2CO3 मतलब NaHCO3 मतलब खाने वाला सोडा, Na2CO3 का मतलब है धावन सोडा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाई जाती थी, नमक के बारे में, धावन सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में, मगर इन सबको हटा दिया है। तो देखो आपके सिलेबस में से क्या क्या चीज़ हट गई है, सोडियम कार्बोनेट ये हट गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हट गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट हट गया है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक थे। NaOH अपने आप में 4-5 वीडियो में कंप्लीट करता हूँ मैं, सॉरी NaOH को 4 वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। NaOH बनाने की 3-3, 4-4 विधियाँ हैं। सोडियम कार्बोनेट हट गया है, NaOH हट गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट हट गया है, सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहते हैं ये भी हट गया है, सोडियम और पोटेशियम का जैविक महत्व, ये बहुत अच्छी चीज़ है, सोडियम पोटेशियम का जैविक महत्व ये आपको आना चाहिए, तो आने वाले समय में आपको पढ़ना पड़ेगा सोडियम और पोटेशियम का जैविक महत्व, ये हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद जब हम क्षारीय मृदा धातुओं में आएंगे, देखो ये तो सोडियम है, सोडियम मतलब क्षार धातु, पोटेशियम मतलब क्षार धातु, नीचे के जो लिखे हुए हैं ये क्षारीय मृदा धातुओं के यौगिक, बुझा हुआ चूना ये है, ठीक है, चूना पत्थर, ठीक है, इनके औद्योगिक उपयोग और मैग्नीशियम और कैल्शियम का जैविक महत्व, ठीक है। जैसे कहते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई, तो ये महत्व है उसका, कैल्शियम का महत्व है कि कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम है तो वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, तो वो क्लोरोफिल है वो, तो समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं, जैविक महत्व को हटा दिया है। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम का जैविक महत्व, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बुझा हुआ चूना, इसके औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जैविक महत्व, इतना सब हटा दोगे तो इसमें पढ़ने के लिए मात्र 20% बचा है। मतलब ये जो एस ब्लॉक था ये बहुत बड़ा लेसन था, बहुत डिटेल में हम इसको पढ़ते थे, मगर उसमें से 80% को हटा दिया है, केवल मात्र 20% पढ़ने के लिए रह गया है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। एस ब्लॉक ये सबसे छोटा कर दिया है एस ब्लॉक को। इसी तरह से देखो पी ब्लॉक, आपको पता है आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी और एफ ब्लॉक तो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। जो पी ब्लॉक है,
पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं, वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से लेकर 18 तक। तो वर्ग संख्या 13 और 14 आपको 11th क्लास में पढ़ना है, वर्ग संख्या 13 और वर्ग संख्या 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है। तो वर्ग संख्या 13 में से और वर्ग संख्या 14 में से बहुत सारी चीज़ें कम कर दी हैं। देखो वर्ग संख्या 13 में से क्या क्या चीज़ें कम करी हैं, वर्ग संख्या 13 के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जैसे बोरेक्स, ये बोरेक्स का सूत्र है, बोरिक अम्ल, ये बोरिक अम्ल का सूत्र है, ये बोरिक एनहाइड्राइड है, मैंने सूत्र के रूप में लिख दिया है, आप अपना सिलेबस देखोगे तो उसमें मिलेगा बोरेक्स हटा दिया है, बोरिक अम्ल हटा दिया है, बोरिक एनहाइड्राइड हटा दिया है, एल्यूमिनियम का अम्लों और क्षारों के साथ अभिक्रिया हटा दिया है। मतलब वर्ग संख्या 13 में जितना कुछ भी था उसका लगभग 50% हटा दिया है, वर्ग संख्या 13 का 50% हटा दिया है। इसी तरह से वर्ग संख्या 14, वर्ग संख्या 14 का मतलब कार्बन परिवार, कार्बन परिवार में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, कार्बन परिवार के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक हैं जो कार्बन के यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक का मतलब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दिया है, तो कार्बन के ऑक्साइडों को हटा दिया है। उसके बाद कार्बन परिवार में ही नीचे आता है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के यौगिक जैसे SiCl4 है, सिलिकॉन है, सिलिकेट्स है, जियोलाइट है, इनके उपयोग हैं, इनको हटा दिया है। मतलब वर्ग संख्या 14 का भी लगभग 50% चीज़ें हटा दी गई हैं, इवन 60% चीज़ें हटा दी गई हैं। तो कहने का मतलब ये जो पी ब्लॉक है जितना भी आपको पढ़ना था उसका मात्र 30% और 40% बचा है, बाकी 60-70% इसमें से हटा दिया गया है। ये है आपका पी ब्लॉक जो कि हटा दिया गया है। तो ध्यान से समझना, अब आप थोड़ा सा अपनी आंखें बंद करें और थोड़ा सा रिकॉल करें कि आपको पता भी है या नहीं पता है, बताओ पहला चैप्टर कौन सा था, तो आप बोलोगे रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। दूसरा चैप्टर कौन सा था, तो आप बोलोगे परमाणु संरचना। तीसरा चैप्टर कौन सा था, तो आप बोलोगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। चौथा चैप्टर कौन सा था, तो आप बोलोगे रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। पाँचवा चैप्टर कौन सा था, द्रव्य की अवस्थाएं, जिसमें नाम कौन से हो जाएंगे, गैस एवं द्रव। उसके बाद छठवां चैप्टर कौन सा था, ऊष्मागत की। सातवां चैप्टर कौन सा है, साम्यावस्था। आठवां चैप्टर कौन सा है, रिडॉक्स अभिक्रिया। नौवां चैप्टर कौन सा है, हाइड्रोजन। दसवां चैप्टर कौन सा है, एस ब्लॉक के तत्व। ग्यारहवां चैप्टर कौन सा है, पी ब्लॉक के तत्व। तो देखो बेटा चैप्टर तो आने चाहिए ना आप लोगों को। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि बताओ बच्चों आपका सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आप कहते हो सर हमारा फेवरेट टॉपिक है केमिस्ट्री। चलो बढ़िया बात है। हम आपसे पूछते हैं अच्छा केमिस्ट्री आपका फेवरेट टॉपिक है तो बताओ केमिस्ट्री की लेसन में पहला लेसन कौन सा है, कहते हो सर नाम ही नहीं पता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए, शुरुआती चीज़ें पता होनी चाहिए। पता तो हो कि भाई कौन सा लेसन पहला है, कौन सा लेसन दूसरा है, कौन सा 11th में है, कौन सा 12th में है। इनके अलावा जो कुछ भी आपको मेरे चैनल पर दिखाई देगा वो सब 12th क्लास से रिलेटेड होगा। ये सारी चीज़ें इस नाम से अगर वीडियो बना प्लेलिस्ट बनी होगी तो वो 11th की है, और इसके अलावा अगर कुछ बच गया है तो वो सबका सब किस में हो जाएगा, 12th क्लास में हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये तीनों चीज़ें इनऑर्गेनिक से रिलेटेड हैं, अकार्बनिक से रिलेटेड हैं, और इन तीनों चीज़ों में से लगभग 70% तक सिलेबस अलग कर दिया है, मात्र 30% पढ़ने के लिए बचा है, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ने के लिए है, हम उसको जल्दी जल्दी इसको आपको पढ़ा करके कंप्लीट कर देंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 12, ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 12 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, और इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप 12th क्लास में एंट्री कर जाते हो। मतलब ये यूनिट है तो ये कक्षा 11 की, मगर देखो ये यूनिट नंबर 12 है, और ये मान के चलो कि ये पूरी की पूरी यूनिट आपको याद होगी तो ही आपको कक्षा 12वीं समझ में आएगी, कक्षा 12वीं के आपको टॉपिक अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये यूनिट है कार्बनिक रसायन या जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में हम सीखते हैं IUPAC, इसी में हम सीखते हैं समावयवता, इसी में हम सीखते हैं तत्वों का जो रहता ना कार्बनिक यौगिकों का शोधन, और इसी में सीखते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण, इसी में हम सीखते हैं एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में। तो ये बहुत बड़ी यूनिट है और इसमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है, और जितना भी सिखाएंगे पूरा का पूरा 12th क्लास में आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस यूनिट को अगर आप नहीं पढ़ते हो सही से
तो आप भूल जाइएगा कि आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री अच्छी समझ में आएगी और आप बोर्ड एग्जाम में इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। इसलिए इस यूनिट को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इस यूनिट को हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन कुछ मूल सिद्धांत एवं तकनीक। बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसको, अच्छे से देखिएगा। इसी यूनिट के अंतर्गत मैं आपको IUPAC पढ़ा भी रहा हूँ। जो बच्चे लाइव क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा कि IUPAC कैसे पढ़ी जाती है। इस यूनिट में से कुछ चीज़ें हटाई हैं, जो भी चीज़ें हटाई हैं वो आप देख लीजिए। कार्बनिक यौगिकों का शोधन हटाया है, हाँ ये एक अच्छा टॉपिक हट गया है। गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियाँ ये हटाई गई हैं, मगर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि ये बिना पढ़ाए हुए मैं आगे टॉपिक पढ़ा क्लियर नहीं कर पाऊँगा। इसलिए कार्बनिक यौगिकों का शोधन एक काफ़ी विस्तार वाला टॉपिक था, ये हट गया है, इसको मैं बाद में कभी पढ़ाऊंगा। और गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियाँ ये अच्छा टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक पर आते हैं, यूनिट नंबर 13, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको बताया ना हाइड्रोकार्बन, मतलब हमें एल्केन भी पढ़नी है, एल्केन भी पढ़नी है, एल्काइन भी पढ़नी है, बेंजीन पढ़नी है, टोलुइन पढ़नी है, ज़ाइलिन पढ़नी है, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जितना कुछ भी होता है, चाहे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो असंतृप्त हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, सब कुछ हमें हाइड्रोकार्बन में पढ़ना है। इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ हटाई गई है, इसको हटाने और ना हटाने का कोई मतलब नहीं है, ये सब सिखा दूंगा मैं आपको, इसलिए मैं इसका कोई विशेष नाम नहीं ले रहा हूं, इसको मैं पढ़ाऊंगा तो क्रम से पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन को कम किया है, हाँ सबसे ज्यादा अगर दुख है मुझे तो वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ये पूरी यूनिट हटा दी गई है, जबकि इस यूनिट में से कुछ भी नहीं हटना चाहिए। ये यूनिट तो वैसे भी दे देते आप लोगों को तो भी आप अच्छे से पढ़ सकते थे, क्योंकि इतनी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जब आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर आते हो तो आपको लगता है मजा आ गया, यही वो चीज है। अब जैसे आप कहते हो दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दिल्ली में स्मॉग चल रहा है, अब बच्चों को स्मॉग पता ही नहीं होगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है, बताओ। आपकी बुआ मान लो दिल्ली में रहती हैं, आपके फूफा दिल्ली में रहते हैं, आपसे पूछते हैं बेटा क्या पढ़ रहे हो, आप कहते हो सर 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, बोले कौन सा अच्छा लेसन लगता है, बोलते केमिस्ट्री अच्छा लगता है, अच्छा बोलते हैं ये जो दिल्ली में स्मॉग होता है ये स्मॉग क्या चीज़ होती है, तो आप कहते हो सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो पर ये क्यों नहीं पढ़ा है, ये पढ़ना चाहिए आपको ना। तो ये सारी चीज़ें थी पर्यावरणीय रसायन में, जो सब चीज़ें हट गई हैं, इसका सबसे ज़्यादा आपको दुख होना चाहिए कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप इस साल नहीं पढ़ पाओगे। हाँ भविष्य में कभी पढ़ोगे, आप जानते हो भविष्य में कोई तभी पढ़ता है जब आवश्यकता होती है। आप खुद बताओ, हम कह रहे हैं कि देखो 12th क्लास के इतने सारे वीडियो डले, देख लो, आपको हम क्यों देखें, 12th क्लास है, 12th क्लास में देखेंगे, आवश्यकता जब होती है व्यक्ति तभी पढ़ता है। ये चीज़ें अगर आपके कोर्स में होती तो आप पढ़ते और आप अच्छा सीखते, बट अनफॉर्चुनेटली सिलेबस से ही हटा दी है, तो इट्स योर हार्ड लक, अब हट गई है तो हट गई है। खैर ये था आपका सिलेबस, इसमें जो चीज़ें हट गई हैं मैंने केवल वो लिखा हुआ है, बाकी जो चीज़ें उसमें मौजूद हैं उन वो तो ऑलरेडी मौजूद हैं, हटी हुई चीज़ों को मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपके सिलेबस में चेंज है, आप सभी लोग इस चेंजेस को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अपनी कॉपी सॉरी अपनी किताब के हर चैप्टर के ऊपर इसको लिख लीजिए और ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिएगा 2020-21 के सिलेबस में नहीं है, बाकी अन्य सालों में है, नहीं तो आप अपनी किताब किसी को दे दो और वो कह लो ये तो सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक ही साल के लिए सिलेबस में ऐसे कम हुआ है COVID-19 के चलते, बाकी हर जगह आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलरली से फटाफट सब्सक्राइब करें, टाइम पर वीडियो देखें और एनर्जी बना करके रखें, क्योंकि अगर आप एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो ही पढ़ाने में मज़ा आता है, आप सीखने की इच्छा शक्ति रखोगे तो सिखाने में मज़ा आता है, आप सुस्त रहोगे तो आपसे बड़े सुस्त हम भी रहेंगे, ठीक है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करें, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी चीज़ें सीखोगे और फिर आपको जब 12th क्लास पढ़ने के लिए मिलेगी तो आपको बहुत सारी चीज़ों में मज़ा आने वाला है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।